हाई एवरीवन, इसमें हम जैन, यू आर वॉचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। बड़े दिन बाद वो आर्मी की रिक्वेस्ट पे हम लेकर आए हैं वो इन कोरिया की वीडियो, जिसका टाइटल है 24 आवर्स ओनली इंडियन क्लॉथ्स चैलेंज है। यानी कोरिया में जो है ना 24 घंटे सिर्फ इंडियन जो अटायर हैं, ड्रेसेस हैं, वही पहनने हैं, और देखते हैं फिर लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एन। पूरे दिन सिर्फ इंडियन ही कपड़े पहनूंगी, जो कि होंगे इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स या फिर जो भी ब्रांड्स और जो भी कपड़े इंडिया से बने हुए हैं ना, वो वाले पहनने वाली हूँ। सो मेरे पास ज्यादा इंडियन कपड़े नहीं कोरिया में, जो भी है वो सारे यहाँ पर है बेल्ट के ऊपर। क्या हो रहा है? सो गाइस, सबसे पहले मुझे ब्रेकफास्ट करना है और मेरे घर के पास में क्यूट सा कॉफी शॉप है, तो मैं वहां पर जाने वाली हूँ। होता है हमारे साथ भी यही होता है। बाहर ही चली जाओ। मैं ये वाले कपड़े पहन के जाऊंगी। कुर्ती है, नीला नीला घाघरा है, नाड़ा कैसा बांधते हैं? ये नाड़ा है क्या है? ये वाले झुमके बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये वाले कलर ये सूट करेंगे, ड्रेस पर और भी ज्यादा मैच करेंगे। सो प्रीटी। बाय द वे, यहाँ पर रहा वी और यहाँ पर है जिन। नंबर 2, माल लग रही हूँ मैं आज। यार कितना गंदा आईलाइनर लगाया। ये वाला इयररिंग डिफेक्टेड पीस निकला बिल्कुल मेरी तरह। ये रहा मेरा क्यूट सा देसी बैग और अभी मैं चली कॉफी पीने के लिए। क्रेडिट कार्ड। आज का दिन ही खराब जा रहे हैं। जूते भी कोई वैसे ही ढूंढने थे। नमस्कार आंटी जी, अंकल जी भी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। कह रही ये क्या आज हमें देखने को मिल रहा है? लोडिंग। यहाँ से आप सुपर सुरांगी को सैंडविच। हाय जी, लाइक माय फैशन, टेल इन कमेंट्स। मेरी सैंडविच अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा। दामिदा शुगर की जगह शुगर आ रहा था। बहुत ही कड़क है। यहाँ पर सैलेड, रेड एप्पल, चीज, हैम एंड क्रोसन। वेज सैंडविच है क्या? गुड गुड गुड। गाइस, मैंने मेरी कॉफी और सैंडविच खा ली है। आधा खाना तो मैंने यहाँ पर नीचे और मेरे कपड़ों पर गिरा दिया। चलो सुमिता। अभी हम घर पर चलते हैं, उसके बाद में मुझे कपड़े चेंज करने और जिम जाना है। गाइड एट लिप्स। Guys, I'm ready for the gym. जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बोला था, आज मैं पहनने वाली या तो ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ या फिर जो भी सारे कपड़े मेड इन इंडिया में ना, वो वाले। और ये जो जिम क्लोथ मैंने पहन रखे हैं ना, वो है एक इंडियन ब्रांड से जिसका नाम है क्लोविया। मैंने आपको क्लोविया पहले देखा था, उसमें इतने कम्फर्टेबल है, इतने कम्फर्टेबल है की मैं आपको क्या बताऊँ। इन कपड़ों की जो फेब्रिक है ना, वो बहुत ही स्मूथ है, इट्स वेरी ब्रीथेबल। और इन लेगिंग की सबसे अच्छी बात है की इनमें बड़ी बड़ी पॉकेट भी है। यहाँ पर मैं मेरा रिमोट डाल रही हूँ यहाँ पर। अजीब अजीब हरकतें जब बंदा अकेला रहता है, यही होता है। लेगिंग्स होते हैं ना, वो बहुत ही टाइट होते हैं और जब वर्कआउट करते हो तो काफी अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ये वाले है ना काफी स्ट्रेची हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कुछ पहन रखा है। और मेरी प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी बहनों, अगर आप भी क्लोविया से शॉपिंग करना चाहते हैं ना, तो आप ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ अगर साथ ये वाला कोड इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस, मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका है और अभी मैं इस मार्केट में आई हूँ लंच करने के लिए। लुक एट दिस पेस्ट्री। मैं सोच रही हूँ ये स्ट्रॉबेरी वाली ले लूँ और ये वाली ले लूँ। ये रही मेरी यम्मी यम्मी पेस्ट्री। और यहाँ पर रहा पराठा का शॉप।
पराठा पराठा। हो जाते हैं, हो जाते हैं। ग्रीन अनियन है ना, इसका हार्ट शेप है, इट्स सो क्यूट। ये कितना क्यूट है। सेकंड आउटफिट, तो ये और यहाँ पर पजामे की जगह ये एक घाघरा टाइप में है। सो गाइस अभी मैं लिफ्ट में आ चुकी हूँ और मैंने टैक्सी बुलाई है वहाँ पर जाने के लिए। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल ये मेरा घाघरा यहाँ पे फंस ना जाए। अभी मैं अंकल जी से पूछती हूँ क्या उनको पता है कि ये ड्रेस कौन से कंट्री की है। पाकिस्तान। बिंदी ना होने की वजह से उन्हें लगा पाकिस्तानी है। अंकल जी बोल रहे कि इंडियन तो वो बिंदी लगाते, तुमने क्यों नहीं लगाई, उसकी वजह से वो पहचान नहीं पाए। क्यों यार मैं कैसे भूल गई बिंदी। मुझे क्लासमेट्स कह रहे हैं कि भाई ये क्या सीन है। बड़ा पारिवारिक माहौल है भाई क्लास का, मोबाइल फोन यूज हो रहा है। हमारा ब्रेक टाइम चल रहा है, मुझे बहुत 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 भूख लग रही है। You're from Bangladesh, right? Yes, I am. So guys, ये मेरे साथ study करते हैं। My name is Arif. मुझे कुछ Bengali में सिखाओ। आमी तुम्हाके जाते हैं क्योंकि अभी एक घंटा बचा है और गरम गरम कॉफी पीते पीते क्लास सुनते हैं। सो गाइस अभी हमारी क्लास खत्म हो गई और अभी टाइम हो चुका है मुझे घर पर जाने का, कपड़े चेंज करने का, एंड आफ्टर दैट मुझे जाना है जॉब पर। वाओ ये रही मेरी टैक्सी। ओ इसको कैसे खोलते हैं? ऐसे ही खोलते हैं। मेरा घाघरा वापस ये खुले हैं आखिर। दादी जी को भी मेरा फैशन बहुत पसंद आया। सो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूं बाहर जाने के लिए। ये रहा मेरा रेड कलर का नेकलेस, रेड कलर की इयररिंग्स, रेड कलर की बिंदी याद आ गई। मेरी बस के लिए बहुत लेट होने वाली हूं। ओ माय गॉड मोटरसाइकिल। सो ये वाली टॉप मम्मी ने ली थी इंडिया से, ये ब्लैक कलर की पजामी पहन रखी है क्योंकि आज बारिश आने वाली है तो मैंने ये बूट्स पहन रखे हैं। Why you wearing that? Yeah. Ah, great. Do you push over? Ah, 감사합니다. 혹시 한국 이름이세요? Yeah. 아, 인도 이름이세요? Yeah. 혹시 그 한글 알아? 네. 여기 근처에서 일하세요? बातों ने इंसान होगा। वो रही मेरी टैक्सी, मुझे टैक्सी बुलानी पड़ी क्योंकि मेरी बस मिस हो गई। ओहो हो। मेरे सारे पैसे टैक्सी में खर्च हो रहे हैं आज। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। YouTube से इतना कमा रहे हो तो बनते हैं। आपको पता नहीं होगा लेकिन जो कोरियन बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। एनीवे गाइस मैं मेरे ऑफिस में पहुंच चुकी हूँ तो आई विल सी यू लेटर। बड़ी हेक्टिक रूटीन है यार पूनम की। फोर्थ ड्रेस लेकिन इस बार मैंने कुछ एक्स्ट्रा ज्वेलरीज वगैरह भी लगाई है और अभी मैं डिनर करने के लिए जा रही हूँ कन्वीनियंस स्टोर। थैंकफुली जो कन्वीनियंस स्टोर है ना वो मेरे बिल्कुल घर के सामने ये रहा 7-Eleven। गाइस मुझे बहुत 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 शर्म आ रही है, कोई बात नहीं अभी अंदर चलते हैं। सो अभी मैं कन्वीनियंस स्टोर के अंदर घुस चुकी हूँ और अभी देखते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये बनाना मिल्क, जो फ्रेश खाना होता है वो सारा सोल्ड आउट हो चुका है। मैं ये वाली फ्रेश सैंडविच लेती हूँ और ये वाला है मीठा सैंडविच तो ये भी लेते हैं। गाइस इतना सच दच के कौन कन्वीनियंस स्टोर जाता है खाना खाने के लिए। मैंने एक ग्रीन कलर की बिंदी लगा रखी है, ये वाली इयररिंग्स मैंने आज सुबह स्कूल जाने के लिए पहने थे। यहाँ पर रहा नेकलेस और ये जो रिंग्स है ना यहाँ पर भी रहा ग्रीन ग्रीन कलर।
पता नहीं क्यों मुझे ये वाला लुक जो टीवी सीरियल में बहू होती है ना या फिर जो राजस्थान उसके लिए फिर आपको वो फीलिंग दे रहा है म्यूजिक भी डालना पड़ेगा टीवी सीरियल वाला लेट्स ओपन सैंडविच के अंदर आ ब्रेड सैलेड चीज और हैम इट्स सो यम्मी गुड 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 लास्ट बाइट अभी हम जोंगकुक का ये जो बनाना मिल्क है ना वो वाला पीते हैं दूध बड़ी अकॉर्ड बात है गुड 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 मजा आया बहुत आज कोई देख नहीं रहा कोई भी मुझे भाव नहीं दे रहा रोज तो देखते से इतना इतना सैंडविच खाते हैं तदा ये वाली है मिल्क क्रीम ये वाली बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल मेरी दिल की तरह इट्स सो गुड इस एक्स्ट्रा सैंडविच को मैं मेरे थैले के अंदर डाल लेती हूँ इस बार मैंने कुछ नहीं गिराया कन्वीनियंस स्टोर में कुछ तो गिरेगा गिर गया सो गाइस अभी मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है और मुझे सिर्फ घर पर जाना है कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं तो ये मैंने अभी खत्म नहीं करा तो मैं इसको पीते पीते घर पर जाने वाली हूँ हाय गाइस सो ये रहा नाइट सूट और ये भी क्रोविया का है तो ये कपड़े भी प्योर देसी इंडियन है तो ऊपर देख रहा है ऊपर क्या है सो गाइस आज के सिर्फ इतना ही आई होप कि आप आज का भी अजीब गरीब व्लॉग अच्छा था वैसे मतलब चार ड्रेसेस बल्कि पांच क्यों छह दो क्रोविया के थे चार ट्रेडिशनल थे ये पहनना और रूटीन का कुछ अंदाज़ा हुआ कि जनाब सुबह सुबह तैयार होना जिम जाना खाना खाना उसके बाद स्कूल जाना स्कूल से निकल के 2 बजे ऑफिस जाना ऑफिस से शाम को 8 बजे निकल के खाना खाना और मतलब हर वक्त कहते हैं ना बिज़ी लाइफ है थोड़ी मतलब कि मुझे ऐसे लग रहा है लेकिन स्टिल उतने बिज़ी लाइफ में रिकॉर्डिंग करना एडिट करना फिर हम समझ सकते हैं कि आप लेट क्यों हो जाती हैं तो ओवरऑल एक अच्छा व्लॉग था मज़ा आया देख के काफ़ी टाइम बाद देख रहे थे तो एक अलग ही एक्साइटमेंट थी लेकिन आज हमने वाकई नोट किया कि यार नॉर्मली पूनम को ना हर बंदा नोट कर रहा होता है कन्वीनियंस स्टोर में आज ट्रेडिशनल में बैठी थी कोई देख ही नहीं रहा था लेकिन अच्छा था बहुत अच्छा व्लॉग था मज़ा आया देख के आई होप आपको भी पसंद आया होगा हमने तो फुल इन्जॉय किया है और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में पू आर्मी द ग्रेट मारो सब्सक्राइब मिलते हैं सी यू गाइज़